सो व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करना। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को पिक्सार्ट एप्लीकेशन से सीवी फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेंगे तो आप लोग भी पिक्सार्ट एप्लीकेशन को यूज़ करना सीख जाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल फ़ोटो को शेयर कर लेना होगा पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, पिक्सार्ट एप्लीकेशन में इसको ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले इसका फ़ोटो को रिसाइज कर लेना होगा। तो नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा, एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे रिसाइज लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर 2160 है, तो यहाँ पर हम लोग चार टू फोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4:4 कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे 3098 आ चुका है, तो यही आप लोग को यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। तो 3098 हम लोग रख लेते हैं, एंड इसके बाद रिसाइज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है आप लोग को, फिर से नीचे यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और सॉरी फ्रेंड, टूल्स पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे फेस वाले ऑप्शन पे रिटर्स पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद फेस को गोरा करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे स्किन टोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देने में दोस्तों, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर नीचे मैनुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने में यहाँ पर आप लोग को हार्डनेस को लगभग 100 पे फुल रख देना है, और ऑपेसिटी को भी फुल कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको फेस पे अप्लाई करना है, जिससे आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेस काफ़ी अच्छे तरीके से ब्राइट आ जा रहा है, और स्किन टोन काफ़ी अच्छे तरीके से आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वन क्लिक में ही देख सकते हैं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से फेस को गोरा भी कर सकते हैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से फेस को रिटच कर लेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेना होगा। एंड इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर यहाँ पे इस पर इसको यहाँ से सेव कर लेना होगा। तो सेव करने के बाद दोस्तों, सेव कर लेते हैं, एंड सेव करने बाद फिर से हम लोग को क्या करना होगा, नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद यहाँ पर एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को नीचे सेचुरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसको अमाउंट -100 रखना है, और क्लियरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद कंट्रास्ट पे क्लिक कर देना होगा, इसको भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करके हम लोग को नीचे यहाँ पर इसको इरेजर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको स्किन पर से जो भी ब्लैक निशान है फेस पे या स्किन पे, हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो मैं फटाफट से यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। एंड रिमूव करने बाद दोस्तों, क्या करना होगा, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद दोस्तों, फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आ जाना है, और नीचे फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग एक PNG को ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देना होगा, एंड कुछ इस तरीके से इसका साइज़ बढ़ा लेना है, ठीक है। और साइज़ बड़ा कर लेने के बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पे नीचे ब्लेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसको स्क्रीन है, मल्टीप्लाई है, डार्केन है, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई पर ही रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई पर इसको रख लेता हूँ, और ऊपर इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर से हम लोग को यहाँ पे इनवर्ट पे क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से इसको कपड़े पर अप्लाई करना है, जिससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े का कलर काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कपड़े का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। एंड इसके बाद क्या करना होगा, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऊपर राइट यहाँ पर रिस्टोर पर फिर से क्लिक कर देना होगा, इसका ऑपेसिटी कम कर देना है, और इसके बाद कुछ इस तरीके से इसको लिप पर अप्लाई करना है, जिससे आप लोग यहाँ पे लिप को रेड कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, क्या करना, ऊपर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाना है, और फिर से हम लोग को नीचे यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद बड़ा करने बाद दोस्तों, क्या करना होगा, ऊपर इरेजर पर क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद दोस्तों, इरेजर पर क्लिक करने बाद यहाँ पे हम लोग को इनवर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों रिस्टोर पर क्लिक कर देना होगा। फिर से दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, आप लोग 70 या 80 के करीब रख लेना होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में इरेज करना है। इससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव हो रहा है। तो फुल जूम करके आप लोग इसके किनारे किनारे काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर लेना होगा। एंड इसके बाद ऊपर यहाँ से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो सेव करने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाना हम लोग को, और फिर हम लोग दोस्तों फेस को स्मूथ करने के लिए रिटच पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पे नीचे आप लोग को स्मूथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पे मैनुअल लिखा है, मैनुअल पर क्लिक कर देना होगा और फिर से दोबारा इसी पर क्लिक कर देना है। और इसका हार्डनेस हम लोग बढ़ा देंगे 60 के करीब, ऑपेसिटी भी 60 या 70 के करीब। और इसके बाद कुछ इस तरीके से इसको स्किन पर अप्लाई करना है, जिससे आप लोग देखेंगे कि हम लोग का स्किन काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से आप लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन में फेस को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव कर लेना होगा। एंड इसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर से आ जाना होगा हम लोग को यहाँ पर नीचे, और नीचे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग एक PNG को ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस PNG को हम लोग ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ब्लेंड पे क्लिक कर देने बाद दोस्तों इसको हम लोग ओवरले या लाइटेन पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम लोग इसको डार्केन पे रख लेंगे। और इसके बाद क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना होगा, हैंड पे इसको एडजस्ट कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, इधर आ जाना होगा और हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस ड्रॉ वाले नीचे इस पर क्लिक कर देना होगा। और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। तो सेव कर लेने के बाद दोस्तों इस फोटो को हम लोग फिर से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में, ठीक है। इसमें ओपन करने बाद नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद यहाँ पर सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और फोटो को जूम कर लेना होगा और नीचे यहाँ पे इसको रख लेना, फिर से यहाँ भी इसको रख लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना, फिर से इसको नीचे कर देना, ठीक है। और यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर लेना होगा और सैचुरेशन को कम, ठीक है। और यहाँ से फिर से हम लोग को नीचे आ जाना और हैंड पे इसको रख लेना होगा, ठीक है। यहाँ भी सैचुरेशन कम और ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर लेना होगा अपने हिसाब से। और इसके बाद इसको कपड़े पर रख लेना है, स्ट्रक्चर बढ़ा देना है सैचुरेशन को भी, ब्राइटनेस को भी। एंड इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से ऊपर उस पर क्लिक करके इसको डन कर देना है।